ओके सो आप जब मेरे चैनल की होम टैब पे जाएंगे तो आपको एक पोस्टर सा कुछ दिखेगा। इसी पोस्टर को हम चैनल आर्ट या चैनल बैनर कहते हैं। ये फोन पे कुछ ऐसा दिखता है, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ऐसा दिखेगा और स्मार्ट टीवी पे ये कुछ ऐसा दिखता है। तो आप भी अपने चैनल को प्रोफेशनल बनाने के लिए इनको यूज कर सकते हैं। और अगर चैनल आर्ट अच्छा हुआ तो हो सकता है कि स्पॉन्सर्स भी आपको एक दो रुपया ज्यादा दे दें। जस्ट किडिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विद इन अ फ्यू मिनट्स इस तरह के क्वालिटी चैनल आर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल आर्ट बनाने के लिए हम कैनवा ऐप का यूज करने वाले हैं। उसका इंस्टॉलेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसमें साइन अप कर लेंगे तो फिर इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो टॉप पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाके यूट्यूब चैनल आर्ट टाइप कर देंगे तो सर्च रिजल्ट्स में बहुत सारे चैनल आर्ट के टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको फर्स्ट में ब्लैक टेम्पलेट मिलेगा। तो इसमें आप खुद से ही सारा कुछ ऐड कर सकते हैं और अपना चैनल आर्ट बना सकते हैं। पर इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप इनमें से किसी टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही क्वालिटी टेम्पलेट्स हैं, तो मैं अपने चैनल बैनर के लिए ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें जितने भी एलिमेंट शेप्स या टेक्स्ट आपको दिख रहा है उन सबको आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसको एडिट करने का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें मैं अपने चैनल का नेम लिख दूंगा। उसके बाद आप इसके नीचे के ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के लिए इसको एक बार अनसेलेक्ट करेंगे और फिर से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करने से लेके उसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और बहुत सारे फॉन्ट्स ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं कोई भी फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसके फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अब इसके नीचे का जो टेक्स्ट है मैं उसको भी सेलेक्ट करके उसको भी एडिट कर देता हूँ। अगेन उसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और अगर आपको ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो इसको अनसेलेक्ट करके फिर से सेलेक्ट करेंगे तो इसका फॉन्ट साइज कलर वगैरह सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन आपको अगेन मिल जाएगा। अब इस वाले आइकन पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है अगर मैं उस पर सेलेक्ट करूंगा तो उसको भी एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब जैसे मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके यहाँ से अपना डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आप इसको क्रॉप फ्लिप वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये शेप्स जो आपको दिख रहे हैं इनका भी आप साइज कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इन सबका साइज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ। उसके अलावा अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब ये तो हो गए इस टेम्पलेट के सारे एलिमेंट्स। अब जैसे इसमें मुझे कोई और टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और इस पे क्लिक करके मैं टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। उसके बाद अब जैसे मुझे कोई फोटो ऐड करना है तो मैं अगेन यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं टेक्नोलॉजी सर्च कर लूंगा। उसके बाद फोटोज के टैब पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे फोटोज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके मैं अपने चैनल आर्ट के लिए यूज कर सकता हूँ। इसको वापस डिलीट कर देते हैं। अब जैसे मुझे अपना चैनल का लोगो यहाँ ऐड करना है तो उसके लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड्स का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड मीडिया को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके अपने फाइल्स ओपन हो जाएंगे और मुझे लोगो ऐड करना है तो मैं यहाँ से अपना लोगो सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसके अपलोड हो जाने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करके अपने चैनल आर्ट में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो इसको जिस तरह से चाहें आप उस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब गाइस फाइनली हमारा चैनल आर्ट रेडी हो गया है, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। उसके लिए हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा और इस पर क्लिक करके आप अपने चैनल आर्ट को सेव कर सकते हैं। अब गाइस इसको अपने यूट्यूब चैनल में अप्लाई करने के लिए आप यूट्यूब ऐप ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर योर चैनल के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ से एडिट चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो चैनल बैनर में यहाँ पे जो कैमरा का आइकन है उस पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से चूज फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करके जो चैनल आर्ट अभी हमने बनाया था वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका चैनल आर्ट आपके चैनल पर अप्लाई हो जाएगा। बस अब इसी तरीके से आप जितने भी चैनल आर्ट बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं। अब गाइस अगर आप इस तरह का सब्सक्राइब एनिमेशन अपने चैनल के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।